हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने के बारे में। क्या बिना दवा से एसिडिटी से छुटकारा पाया जा सकता है? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के समय में एसिडिटी होना एक आम समस्या है। कई लोग इस परेशानी से जूझते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा तला हुआ और मसालेदार भोजन करना। एसिडिटी की समस्या तब होती है जब पेट में मौजूद एसिड गले की नली यानी कि एसोफेगस तक आ जाता है। एसिडिटी होने पर पेट के ऊपरी भाग में जलन व दर्द होना, भूख ना लगना, खट्टी डकार आना और पेट में गैस बनने जैसी परेशानियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए घरेलू उपाय। नंबर एक, इलायची। इलायची खाने की आदत आपको एसिडिटी से बचाएगी। जब भी आपको एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या हो तो एक से दो इलायची को मुंह में रखकर चूसते रहें। नंबर दो, तुलसी। तुलसी ना केवल एसिडिटी में लाभदायक है बल्कि मानसिक व अन्य शारीरिक रोगों में भी बेहद प्रभावी औषधि है। खाने के बाद तुलसी के कुछ पत्तों को चबाएं या फिर गर्म पानी में डालकर इसका सेवन करें। नंबर तीन, पुदीना। पुदीना हमेशा से ही पेट व पाचन की समस्याओं के लिए फायदेमंद रहा है। मसालेदार भोजन से पेट में होने वाली जलन पुदीने के पत्तों को चबाने से शांत होगी। या फिर पानी में नींबू और पीसी हुई पुदीना पत्ती को काले नमक के साथ मिलाकर पिएं। नंबर चार, दूध। ठंडा दूध पीना एसिडिटी के लिए पुराना रामबाण उपाय है। पेट या सीने में जलन होने पर दूध और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर पिएं या फिर ठंडे दूध का सेवन करें। नंबर पाँच, जीरे का पानी। पेट की समस्याओं में जीरे का पानी भी बेहद लाभदायक होता है। जीरे को पानी में उबालकर इसका प्रयोग करना एसिडिटी में फायदेमंद होता है। नंबर छः, आंवला। आंवला हमेशा से ही एक घरेलू पाचक उपायों में गिना जाता है। एसिडिटी में आंवले को काले नमक के साथ खाना लाभकारी होता है। आप चाहें तो इसका मुरब्बा, जूस या इसकी चॉकलेट अथवा सुपारी का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर सात, अदरक। सर्दी, खांसी, जुखाम हो या फिर पाचन संबंधी समस्याएं, अदरक का सेवन एक कारगर उपाय है। इसे पानी के साथ उबालकर उस पानी को पिएं या फिर इसका एक टुकड़ा काले नमक में लपेटकर चूसें। जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। नंबर आठ, सौंफ। खाने के बाद सौंफ का सेवन पाचन में मददगार होता है। पेट में जलन, एसिडिटी होने पर भी सौंफ उतना ही फायदेमंद है। सौंफ ठंडी प्रकृति की होती है और यह पेट में ठंडक पैदा कर एसिडिटी में राहत देती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है एसिडिटी से छुटकारा पाने के उपाय। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।